हेलो गाइस, वेलकम टू विवा क्लासेस। आई होप यू लाइक माय वीडियोस। इफ यू लाइक माय वीडियोस, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। हम लोगों की वीडियोस का एक ही मोटिव है, कम टाइम में कंसेप्ट ज्यादा। और आई होप हमारी वीडियोस देखने के बाद आपको सच में ये महसूस हो, और अगर हो तो प्लीज अपना कीमती समय निकालकर इन्हें शेयर जरूर करिएगा। तो चलिए बिना देरी के 10.2 के बचे हुए सारे क्वेश्चन कंप्लीट करते हैं। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हमने इसके एग्जाम्पल भी अपलोड करे हैं, इंट्रोडक्शन भी, और 15 मिनट की वीडियो में 1 से 10 क्वेश्चन। हो सकता है कि वो लोग यहीं पर अभी 1 से 10 क्वेश्चन कंप्लीट करने के बाद 11 to 19 के लिए आए हों। तो चलिए फटाफट से क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। शो दैट द वेक्टर This and this are collinear। देखिए ये क्वेश्चन ना मैं स्टार लगा रही हूं, है ना? क्यों? क्योंकि इस क्वेश्चन को आप 3D में भी देखेंगे, मिसलेनियस एक्सरसाइज में भी देखेंगे, बहुत तरीके तरीके से ये क्वेश्चन आएगा। अब आपने क्या ध्यान रखना है, ये लाइन वेक्टर है ना, कभी आपको पॉइंट देगा, कभी कुछ देगा, और कोलिनियर प्रूफ करने के लिए कहेगा। तो जितने भी क्वेश्चन कोलिनियर पर है उनको डिफ्रेंशिएट करना सीखिएगा, क्योंकि अगर आप डिफ्रेंशिएट करना सीखेंगे तो आप एग्जाम में इस क्वेश्चन को क्रैक कर पाएंगे, नहीं तो आपको दिक्कत महसूस होगी। फिलहाल अभी हमें 2 लाइन दे रखी है ना, और हमसे कहता है कि कोलिनियर प्रूफ करो। कोलिनियर का मतलब क्या होता है, वेक्टर के अंदर 2 पैरेलल वेक्टर या फिर जो कंसाइडेंट वेक्टर होते हैं। तो अगर आपको 10th क्लास में कंसेप्ट याद हो कि 2 लाइन कंसाइडेंट अगर होती हैं, तो देखिए कंसाइडेंट लाइन को पैरेलल लाइन भी बोलते हैं। तो 10th क्लास का एक कंसेप्ट याद है, a1 upon a2 = b1 upon b2 = c1 upon c2 होता है अगर 2 लाइन्स कंसाइडेंट होती है। वही यूज करने वाले हैं हम लोग यहाँ पर, राइट? तो इजी भी रहेगा। देखिए 2 वेक्टर्स दे रखे हैं आपको, और आपको कहता है कोलिनियर प्रूफ करो। मैंने सबसे पहले क्या करना है, इस वेक्टर में से a1 b1 c1 निकाल लेना है, ठीक है, और दूसरे वेक्टर में से a2 b2 c2। तो देखिए मैंने दोनों वेक्टर लिखे, पहले वाले वेक्टर के कोफिशिएंट्स को मैंने लिखा a1 b1 c1, जो कि है 2 - 3 और 4। जो दूसरा वेक्टर है उसके कोफिशिएंट क्या है आपके पास, a2 b2 c2, -4, 6 और -8। अब क्या करना है आपको, a1 upon a2 कैलकुलेट करना है, कितना आ रहा है बताइए, -1/2 अलग से, b1 upon b2 भी कितना आ रहा है, -1/2, और c1 upon c2 कितना आ रहा है, -1/2। देखिए माइनस न्यूमरेटर में हो या डिनोमिनेटर में हो, एक ही बात है, इसका मतलब होता है नंबर नेगेटिव है। और पहले से इक्वल नहीं लेना बच्चों, आप ऐसे कर देखेंगे पहले कि a1 upon a2 का आंसर कितना आ रहा है, b1 upon b2 का आंसर कितना आ रहा है, और c1 upon c2 का आंसर कितना आ रहा है। तीनों आंसर इक्वल आ रहे हैं तो आप बाद में लिखेंगे, क्योंकि ये तीनों इक्वल आ रहे हैं, अलग अलग करने के बाद आपने लिखना है। तीनों आंसर इक्वल आ रहे हैं इसका मतलब यहाँ ए और बी क्या है आपके पास, कोलिनियर वेक्टर, राइट? तो कोलिनियर वेक्टर पे और भी क्वेश्चंस आएंगे, तो ध्यान से उनको हमारे साथ कंपेयर करते जाइएगा, हम आपको ये सब चीजें भी दोबारा दोबारा समझाते जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। देखिए कहता है फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस। अगर आपने 1 to 10 वाली वीडियो हमारी देखी होगी तो उसमें हम बार बार ये बात बोल रहे थे कि जो वेक्टर आपको गिवन होता है, जैसे कि वेक्टर आपको गिवन है, इसके जो कोफिशिएंट है 1, 2, 3, इन्हें बोलते हैं डायरेक्शन रेशियोज। एंड एक बार अगर आप वेक्टर को यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट कर देते हैं तो जो आपके पास कोफिशिएंट्स आते हैं वो क्या होते हैं, डायरेक्शन कोसाइंस, है ना? जो लोग अभी 1 to 10 देखकर आए उनको तो कोई दिक्कत ही नहीं रहेगी, उनको पता है किसको क्या करना है, यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट करना है, और जो उसके कोफिशिएंट है वो क्या है अपने पास, डायरेक्शन कोसाइंस। तो देखिए ये वेक्टर दे रखा है, फटाफट से इसका मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं, क्या आएगा, 1 square 2 square 3 square, 9 + 4 + 1, दैट इज √14। ये मैग्नीट्यूड आ गया। अब इस वेक्टर को इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो, 1 upon √14 i, 2 upon √14 j, एंड 3 upon √14 k। ये देखिए हमने यूनिट वेक्टर का फॉर्मुला लिखा है, और ये इसको डिवाइड करा हमने सबके अपॉन में अलग अलग, 1 upon √14 i, 2 upon √14 j, एंड 3 upon √14 k। अब जो आपके पास कोफिशियंट हैं उन्हें क्या बोलते हैं, डायरेक्शन कोसाइंस, जिन्हें हम LMN भी बुलाती हैं, याद रखिएगा। और जो आपके पास पहले थे यानी ABC, वो क्या थे, 1, 2, 3, इन्हें क्या बुलाते हैं, डायरेक्शन रेशियोज। ये दो शब्द देखिए वेक्टर के बाद 3D में भी बहुत यूज होने वाले हैं, तो आप अभी से अपनी कमांड इस पे बनाइए, वेक्टर के कोफिशिएंट, डायरेक्शन रेशियोज। जैसे ही आप वेक्टर को यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट करते हैं, द कोफिशिएंट्स आर नोन एज डायरेक्शन कोसाइंस, जिनको हम सिंबॉलिक फॉर्म में LMN भी बुलाते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कहता है, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द वेक्टर, ए और बी पॉइंट दे रखे हैं। देखिए जब तक वेक्टर नहीं आएगा तो हम उसका यूनिट वेक्टर कैसे कन्वर्ट करेंगे, है ना? क्योंकि अगर हमें डायरेक्शन कोसाइंस निकालने होता है तो एक वेक्टर को यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट करना होता है। तो फिलहाल तो आपके पास ये पॉइंट दे रखे हैं और डायरेक्टेड फ्रॉम ए एंड बी, तो पहले हमें वेक्टर बनाना है। ये भी हमने सीखा है कि अगर हमें 2 पॉइंट दिए तो वेक्टर कैसे बनाते हैं, अगर हमें ए बी वेक्टर बनाना है तो बी में से ए को माइनस करते जाओ और ijk लगाते जाओ, है ना? तो -1 - 1 कितना हो जाएगा, -2i, -2 - 2 - 4j, और i सॉरी 1 माइनस करेंगे तो +3 हो जाएगा 4k। ये वेक्टर बन गया, बस।
अब आपको पता है कि अगर आपको इस वेक्टर के डायरेक्शन कोसाइंस निकालने हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसका यूनिट वेक्टर, उसके लिए हम इसका मैग्नीट्यूड निकालते हैं, माइनस टू का स्क्वायर प्लस माइनस फोर का स्क्वायर प्लस फोर का स्क्वायर आ गया रूट 36, दैट मीन 6। अब आपने क्या करना है, इस वेक्टर को इसके जो मैग्नीट्यूड से उसे डिवाइड कर दीजिए, बार बार फॉर्मुला लिखेंगे आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगा, तो इसे आप 6 से डिवाइड करेंगे तो माइनस टू अपॉन 6 आई माइनस 4 अपॉन 6 जे प्लस 4 अपॉन 6 के, और अगर आप इसे सिंप्लीफाइड फॉर्म में करेंगे तो माइनस 1 अपॉन 3 माइनस 2 अपॉन 3 और 2 अपॉन 3, ये क्या आ गए आपके पास डायरेक्शन कोसाइंस, जिन्हें क्या बोलते हैं एलिमेंट भी बुलाते हैं, राइट। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 14, देखिए कहता है शो दैट, इस क्वेश्चन में भी बच्चे थोड़ा सा घबराते हैं तो उसको भी हम स्टार लगा देते हैं, शो दैट वेक्टर दिस इज इक्वली इंक्लाइन टू एक्सेस एक्स एक्सेस वाई एक्सेस जेड एक्सेस, दिस इज ओ एक्स मतलब ओरिजिन से एक्स, यानी एक्स एक्सेस वाई एक्सेस जेड एक्सेस। देखिए अगर आपको यह पता करना हो कि किसी भी वेक्टर मतलब एक लाइन है ना, लाइन ने एक्स एक्सेस वाई एक्सेस जेड एक्सेस के साथ क्या एंगल बनाया है, उसके लिए आपको डायरेक्शन कोसाइंस निकालने पड़ेंगे, क्योंकि डायरेक्शन कोसाइन, देखिए कोसाइन का मतलब ही आपके पास कॉस एंगल है ना, तो आपके पास उसी से एंगल के बारे में पता चलता है, यानी फर्स्ट ऑफ ऑल ये पता करने के लिए कि इस वेक्टर ने यानी इस लाइन ने इन तीनों के साथ इक्वल एंगल बनाए हैं, इसके लिए पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इस वेक्टर को यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ये वेक्टर है, हमने इसका मैग्नीट्यूड निकाला, देखिए 1 square 1 square 1 square या गया रूट 3, अब आप इसको रूट 3 से डिवाइड करेंगे तो 1 upon root 3 i 1 upon root 3 j 1 upon root 3 k, ये आ गया आपके पास। ये जो कोफिशियंट है इन्हें क्या बुलाते हैं, डायरेक्शन कोसाइंस यानी एलिमेंट है ना, और इसीलिए इनको कॉस थीटा कॉस बीटा और कॉस अल्फा भी बुलाया जाता है। बच्चों ये देखिए है ना, एलिमेंट हमारे पास आ गए, दैट इज कॉस थीटा कॉस अल्फा कॉस बीटा। व्हाट इज थीटा, थीटा इज द एंगल विद वाई एक्स एक्सिस, अल्फा इज द एंगल विद वाई एक्सिस एंड बीटा इज द एंगल विद जेड एक्सिस। अब आप मुझे बताइए थीटा कितना आएगा, कॉस यहां आ जाएगा बिकॉज कॉस के टेबल में 1 upon root 3 नहीं आता, तो अगर आपके पास कॉस थीटा 1 upon root 3 है तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, कॉस इनवर्स 1 upon root 3, अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई, कॉस इनवर्स 1 by root 3, बीटा की वैल्यू कितनी आ गई, कॉस इनवर्स 1 by root 3, यानी जो थीटा था एंगल विद द एक्स एक्सिस एंगल विद द वाई एक्सिस एंगल विद द जेड एक्सिस, आपको नहीं लग रहा कि तीनों एंगल का आंसर एक ही आया है, इसका मतलब क्या हुआ कि इस वेक्टर ने एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के साथ इक्वल एंगल बनाया है, यही आपको शो करना था। तो आपने क्या किया, अगर आपको एंगल निकालना है सबसे पहले यूनिट वेक्टर बदलो, यूनिट वेक्टर से एलिमेंट मिलेंगे, एलिमेंट क्या होते हैं कॉस थीटा कॉस अल्फा कॉस बीटा, यानी इसने एक्स एक्सिस के साथ इतने डिग्री का एंगल, वाई एक्सिस के साथ इतने डिग्री का एंगल और जेड एक्सिस के साथ इतने डिग्री का एंगल, और उससे आपके पास एलिमेंट की वैल्यू जो है वो निकल कर आती है, राइट। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 में आपसे कहता है फाइंड द पोजीशन वेक्टर आर विच डिवाइड द लाइन ज्वाइनिंग टू पॉइंट पी एंड क्यू हूज पोजीशंस आर दिस, यानी ये पी पॉइंट है ये क्यू पॉइंट है और आपको आर पॉइंट निकालना है जो कि इन दोनों पॉइंट को डिवाइड कर रहा है 2:1 में, एक बार इंटरनली एक बार एक्सटर्नली, तो हमें सेक्शन फॉर्मूला लगाना है। तो इंटरनली में देखिए हमने ये डायग्राम बनाया है, ये हमारे पास पी पॉइंट है, ये रहा पी पॉइंट, ये रहा क्यू पॉइंट, ये वेक्टर क्या है पॉइंट वेक्टर है ना, ये लाइन वेक्टर नहीं है पॉइंट वेक्टर, इसका वेक्टर इसका वेक्टर, और हमें आर वेक्टर निकालना है और ये इंटरनली कर रहा है फर्स्ट पार्ट में 2:1 में। तो हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है, अगर हमें आर वेक्टर निकालना हो, ये हमारी एम रेशो एन हो गई, तो हमारा फॉर्मूला होता है बच्चों अगर हमें आर वेक्टर निकालना हो, एम इंटू क्यू वैक्टर प्लस एन इंटू पी वैक्टर, इट्स लाइक जैसे आपने पहले भी सेक्शन फॉर्मूला करा है, एम वाई टू होता था प्लस एन एक्स टू होता था, बिल्कुल वही चीज है, एम क्यू वैक्टर प्लस एन पी वैक्टर अपॉन एम प्लस एन। तो आप क्या करोगे, एम को क्यू वैक्टर से मल्टीप्लाई करो, तो ये हो जाएगा माइनस टू आई टू जे टू के, ये देखिए प्लस n मतलब 1, 1 को p वेक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे एज इट इज अपॉन में m प्लस n यानी 3। तो अब इसे सिंप्लीफाई कर लो, माइनस टू आई प्लस आई कितना हो जाएगा आपके पास माइनस आई, 2j और j 4j, 2k माइनस k k अपॉन में 3 चल रहा है, ये 3 अलग अलग करना बहुत ज्यादा जरूरी है बच्चों, इसको अलग अलग आप कर दीजिए, यह आ जाएगा माइनस 1/3i प्लस 4/3j और 1/3k। तो ये हमारा r वेक्टर आ गया इन केस ऑफ इंटरनली, अगर एक्सटर्नली होता है तो सिर्फ क्या होता है यही वाली चीज जो प्लस की है वो माइनस हो जाती है, और ये जो लाइन होती है वो कुछ इस तरीके से पी क्यू और आर कहां आ जाता है बाहर 2:1, ठीक है, पी क्यू पी पी आर। तो यहां पर सिर्फ प्लस की जगह पर हम क्या लगा देंगे माइनस लगा देंगे, देखिए एम क्यू माइनस एन पी वैक्टर अपॉन में एम माइनस एन। तो आपने क्या करना है, टू को इससे मल्टीप्लाई करो सेम यही चीज आएगी है ना, माइनस 1 को इससे मल्टीप्लाई करो सेम ये चीज आएगी सिर्फ नेगेटिव हो जाएगा और अपॉन में m माइनस एन यानी 2 माइनस 1 कितना आएगा 1। तो आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये जो वेक्टर आपके पास आ रहा है ये r वेक्टर आ रहा है एक्सटर्नली,
क्लियर। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। सेम सेक्शन फॉर्मूला पे बेस्ड एक और क्वेश्चन है, फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ मिड पॉइंट ऑफ, मतलब आपको एक मिड पॉइंट वेक्टर निकालना है जो P और Q का मिड पॉइंट है। तो मिड पॉइंट का मतलब रेशो में क्लियर है 1:1, ठीक है। तो हमारे पास P और Q का पॉइंट दे रखा है, तो हम इसका वेक्टर बना लेंगे। उसमें क्या आई जे के ही तो लगाना है, तो देखिए हमने आई जे के लगा दिया, बना दिया वेक्टर P वेक्टर 2i 3j 4k और 4i 1j -2k। अब हमें R वेक्टर निकालना है जो कि इन दोनों का मिड पॉइंट है, यानी 1:1। तो मिड पॉइंट में आप डायरेक्टली भी कर सकते हो P वेक्टर प्लस Q वेक्टर डिवाइडेड बाय 2, नहीं तो आप वो वाला फॉर्मुला भी लगा सकते हो MQ वेक्टर प्लस NP वेक्टर अपॉन M प्लस N। तो हमने यही लिखा है, देखिए अगर आपको मिड पॉइंट के केस में निकालना है तो M और N तो 1 ही होते हैं ना, तो अगर आप यहाँ 1:1 पुट करोगे तो क्या आ गया Q वेक्टर प्लस P वेक्टर और 1:1 2 हो गया। तो आप ये लगाओ एक ही बात है, अगर आपको नहीं याद करना ये तो आप यही वाला लगाओ, आंसर आ जाएगा राइट। तो P वेक्टर दिस वन प्लस Q वेक्टर दिस वन अपॉन 2, तो इन दोनों को हमने प्लस कर दिया, दिस इज 6i + 4j + 2k अपॉन में 2, तो दिस अपॉन दिस कर दीजिए 6i / 2 4i / j 2k / k, तो आपके पास ये r वेक्टर निकल गया जो कि p और q का क्या है मिड पॉइंट है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, शो दैट ए बी सी पोजिशन वैक्टर्स, आपको मतलब ए बी सी दे रखा है राइट, यानी ए बी सी पॉइंट दे रखे हैं, वर्टिसेस ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल। ये आपको प्रूफ करना है कि ये जो तीनों पॉइंट हैं ये किसके वर्टिसेस हैं राइट एंगल के। देखिए आपको ये बात तो पता है कि राइट एंगल के लिए हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर करना पड़ता है, लेकिन उसके लिए आपको तीनों साइड्स की लेंथ चाहिए, और वेक्टर में लेंथ का मतलब होता है मैग्नीट्यूड, और ये पॉइंट है अभी फिलहाल, तो हमें यहां थोड़ा काम करना पड़ेगा। देखिए मैंने इमेजिनेटिव बनाया, मुझे नहीं पता कि ये राइट एंगल बी पर है या सी पर है, याद रखिएगा बाद में आपके दिमाग में क्वेश्चन आता है कि मैम आपको कैसे पता था बी पे राइट एंगल है। रफ, इट्स अ रफ डायग्राम जिसमें मैं इमेजिन कर रही हूं कि अभी फिलहाल बी पे राइट एंगल है। मैंने एबीसी तीन वर्टिसेस लिए, सबसे पहले तो आपको एबी का मैग्नीट्यूड निकालना है, लेकिन एबी का मैग्नीट्यूड निकालने के लिए पहले एबी वेक्टर यानी लाइन वेक्टर होना चाहिए, अभी क्या है पॉइंट वेक्टर आपके पास है ना, तो पहले आपको एबी वेक्टर बनाना पड़ेगा। तो एबी वेक्टर कैसे बनाते हैं बताइए, बी में से ए के आई जे के वाले माइनस करते जाइए और आंसर आ जाएगा। बीसी वेक्टर बनाएंगे, सी में से बी वाले माइनस करते जाएंगे, और सी ए वेक्टर बनाएंगे, ए में से सी को माइनस करते जाएंगे। तो सबसे पहले देखिए मैंने वेक्टर क्रिएट करा है एबी वेक्टर, एबी वेक्टर कैसे बनेगा, 2i - 3i कितना आ गया -i, -j + 4 हो जाएगा ये, तो ये 3j हो गया, +k + 4k तो ये 5k हो गया, ये भी वेक्टर बन गया। सिमिलरली बीसी वेक्टर, सी में से बी को माइनस, मतलब जो टर्मिनल पॉइंट होता है उसमें से माइनस करते हैं, तो i - 2i -i हो गया, -3 + j हो जाएगा ये, -2j हो गया, -5k - k 6k हो गया। सिमिलरली हमने बनाया है सी ए वैक्टर यानी ए में से सी को माइनस करा, ये तो भी वेक्टर्स आए हैं, इन तीनों की हमें लंबाई चाहिए यानी लेंथ चाहिए यानी मैग्नीट्यूड चाहिए, तो इन तीनों का हमने मैग्नीट्यूड निकाला। ये देखिए ए बी वेक्टर -1 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर है ना, ये आ गया √35। फिर बी सी का हमने मैग्नीट्यूड निकाला जो कि आ गया -1 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर 4 और -6 का स्क्वायर 36, ये आ गया √41। फिर हमने निकाला सी ए का मैग्नीट्यूड जो कि आ गया हमारे पास 4, 1 और 1। अब यहां से आपने क्या चेक करना है, हमारे पास ये आ गया कि जो ए बी है उसकी लंबाई कितनी है √35 यानी लेंथ यानी मैग्नीट्यूड, और बी सी हमारे पास आ गया √41 और ए सी हमारे पास आ गया √6। अब देखिए यहीं से हमें पता चल गया कि ये मेरा एजम्पशन गलत था बी वाला, बिकॉज सबसे बड़ी साइड जो होती है वो हाइपोटेन्यूज होती है, इसका मतलब यहां सी आएगा और ये बी आएगा क्योंकि √41 सबसे बड़ा है। तो आपके पास सॉरी ये ट्राइंगल मैं दोबारा फ्रेम करती हूँ, ये देखिए बीसी सबसे बड़ा है तो इसका मतलब बी और सी यहां आएंगे और ये राइट एंगल्ड कहां पर हो गया ए पर। तो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ सकता था कि ये राइट एंगल्ड कहां पर होगा, तो √41 आपको पता है हाइपोटेन्यूज सबसे बड़ा होगा, बाकी आप कहीं पर भी कुछ लिख दीजिए √35 और √6। तो ये मेरा एक रफ ट्राइंगल था, नाउ फाइनल ट्राइंगल इज दिस, क्लियर। अब मुझे चेक करना है कि ये राइट एंगल ट्राइंगल है भी या नहीं, तो मैंने क्या किया बीसी का स्क्वायर करा दैट इज √41, एबी का स्क्वायर करा दैट इज 6 और एसी का स्क्वायर करा दैट इज 35, और मैंने ये देखा कि इन दोनों का जो सम है वो इसके इक्वल है यानी एसी स्क्वायर प्लस एबी स्क्वायर इज इक्वल टू बीसी स्क्वायर राइट। अगर ऐसा है तो ये डेफिनेटली राइट एंगल ट्राइंगल है, और राइट एंगल कहां पर है ए पर है। तो चलिए बचे हुए 2 एमसीक्यूज क्वेश्चन करते हैं, और 15 मिनट के अंदर आपकी बाकी एक्सरसाइज भी खत्म, यानी आधे घंटे के अंदर आपकी पूरी एक्सरसाइज हमारे साथ खत्म हुई है और आपके साथ साथ हमने आपको समझाया है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर लास्ट 2 देखते हैं।
चलिए क्वेश्चन नंबर 18 में आपसे कहता है इसमें से कौन सा ट्रू नहीं है। देखिए जो हमारी ट्राइंगल प्रॉपर्टी है वो हमारे पास क्या है, ए बी वैक्टर प्लस बी सी वैक्टर प्लस सी ए वैक्टर राइट इज इक्वल टू जीरो। ये हमारी ट्राइंगल प्रॉपर्टी है। अगर आपके पास ये ट्राइंगल है ए बी सी, ए से बी, बी से सी और सी से, क्योंकि इनिशियल और टर्मिनल पॉइंट सेम है इसीलिए इसका आंसर क्या होता है, जीरो होता है। ठीक है, ये हमारी प्रॉपर्टी है। अब हमें देखना है कि इनमें से कौन सा करेक्ट है। तो देखिए फर्स्ट तो डेफिनेटली करेक्ट है बिकॉज आपके पास यही प्रॉपर्टी लिखी हुई है। अब देखिए इसको आप एक और तरीके से लिख सकते हैं। हमने पढ़ा है किसी का नेगेटिव वेक्टर क्या होता है, आप इसका नेगेटिव भी कर सकते हैं, यानी इसको माइनस बी ए भी लिख सकते हैं, इसको आप सी बी भी लिख सकते हैं और इसको आप ए सी भी लिख सकते हैं। तो इन चीजों का भी यही मतलब है जो उससे ऊपर वाले का था। तो अब आप इसको देखेंगे ए बी वैक्टर प्लस बी सी वैक्टर, ये दोनों सेम है, सिर्फ इसको चेंज कर दिया, बिल्कुल करेक्ट है, इसमें भी कोई डाउट नहीं है, क्योंकि ऐसा कर सकते हो आप ए बी वैक्टर प्लस बी सी वैक्टर। सी ए को अगर आप ए सी करोगे तो नेगेटिव बाहर आ जाएगा, तो ये भी करेक्ट है। अब देखिए ए बी वैक्टर प्लस बी सी वैक्टर, हमने यहां प्लस सी ए पढ़ रखा है, इसने माइनस सी ए कर दिया, इसका मतलब ये इनकरेक्ट है और हमसे यही पूछा था कि नॉट ट्रू कौन सा है। क्लियर, तो इसका मतलब ऑप्शन सी यहां पर हमारा करेक्ट है, तो ऑप्शन सी इज द आंसर। क्लियर, चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। इफ ए एंड बी आर टू कोलिनियर वैक्टर, देखिए कोलिनियर वैक्टर क्या होते हैं, पैरेलल वैक्टर, ठीक है। Which of the following are incorrect? फिर से हमें incorrect बताना है, ये ध्यान देना है। B vector is equal to lambda A vector. ठीक है, मैंने अभी आपको बताया था अगर collinear vector लिखना हो तो जैसे A vector है आपके पास I plus J plus K, तो मैंने आपको बताया B vector आप 2 से multiply कर दो या 3 से multiply कर दो वो collinear vector होगा पक्का। तो यही वो लिख रहा है कि जो B vector है वो lambda, lambda यहां पर क्या है, constant। तो अगर आप किसी भी vector को किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, फॉर एग्जाम्पल 2 से, 3 से, 4 से, जो वेक्टर आपके पास आएगा, ये देखिए जो वेक्टर आया, अगर मैं इसे 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, 3i, 3j, 3k, तो भी ये कोलिनियर है। तो ये तो पक्की सही बात है, ये तो कोलिनियर के लिए बिल्कुल करेक्ट बात है। ठीक है, अभी कहता है ए वेक्टर बी वेक्टर का प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है। देखिए मेरी बात समझिए, जैसे मान लीजिए आप ए से बी पर जा रहे हैं, क्लियर, और ये जो आपके पास है सी से डी पर है, क्या आप बताइए कि अगर मेरा एरो इस तरफ है, इसका एरो इस तरफ है, यानी ये ए बी वेक्टर है और मैं बी ए वेक्टर की बात करूं, यानी बी ए यानी नेगेटिव वेक्टर की बात करूं, यहां से अभी आप ए बी की तरफ जा रहे थे अब बी ए, तो नेगेटिव वेक्टर भी तो पैरेलल वेक्टर ही होगा ना। ऐसा तो हो नहीं सकता कि इसकी डायरेक्शन इस तरफ है, डायरेक्शन का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है अगर आप बात करेंगे कोलिनियर वेक्टर के लिए, राइट। तो डायरेक्शन कोसाइंस इंपॉर्टेंट है, तो प्लस माइनस वाली बात भी ट्रू है, ये भी हो सकता है। मतलब अगर मान लीजिए आई जे के वेक्टर है और ये माइनस आई माइनस जे माइनस के हो जाए, तब भी ये कोलिनियर वेक्टर है बच्चों, राइट, यानी किसी भी वेक्टर का नेगेटिव वेक्टर भी कोलिनियर वेक्टर होता है। इसका क्या मतलब हुआ, ए वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर, मतलब अगर दोनों वेक्टर इक्वल है फिर तो वो कोलिनियर हुए हुए, और ए वेक्टर अगर माइनस बी वेक्टर हो यानी उसका नेगेटिव हो तभी वो कोलिनियर होगा। क्लियर, अब कहता था रिस्पेक्टिव कंपोनेंट ऑफ ए एंड बी आर प्रोपोर्शनल। मैंने अभी आपको एक क्वेश्चन करके दिखाया जिसमें ए और बी का मैंने रेशियो निकालकर दिखाया था, ए वन अपॉन ए टू, बी वन अपॉन बी टू, सी वन अपॉन सी टू, वो अगर इक्वल आ जाए, प्रोपोर्शन अगर इक्वल आ जाए तो भी कोलिनियर होता है। मतलब ये वाली बात भी ट्रू है आपके पास, ऑब्वियसली बची लास्ट वाली बात, पर फिर भी चेक कर लेते हैं। बोथ ए एंड बी हैव सेम डायरेक्शंस बट डिफरेंट मैग्नीट्यूड्स, तो कोई जरूरी नहीं है कि उनकी सेम डायरेक्शंस होनी चाहिए कोलिनियर वेक्टर के लिए, और इसमें लिखा है कि सेम डायरेक्शन होनी चाहिए, जरूरी नहीं है उनका मैग्नीट्यूड सेम हो, जरूरी नहीं है कि उनका लेंथ सेम हो। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर मान लीजिए ये वेक्टर है और ये वेक्टर है, ठीक है, ये ए बी वेक्टर है और ये सी डी वेक्टर है, आप बताइए इसकी डायरेक्शन इस तरफ है, इसकी डायरेक्शन, क्या ये पैरेलल वेक्टर नहीं है? बिल्कुल है पैरेलल वेक्टर, डायरेक्शन अपोजिट हो सकती है और इनके मैग्नीट्यूड भी डिफरेंट हो सकते हैं। जहां पर आप कोलिनियर वेक्टर की डेफिनेशन देखेंगे वहां आपको पता लग जाएगा कि कोलिनियर वेक्टर के लिए डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड का सेम होना कतई जरूरी नहीं है। आप बताइए ना, दो लाइन पैरेलल है, एक लाइन बड़ी है एक छोटी है, तो भी वो पैरेलल है। अब जैसे मैंने आपके सामने ही बनाई, और एक की डायरेक्शन दूसरी साइड है, एक की डायरेक्शन दूसरी साइड है, तब भी वो पैरेलल है। तो यहां पर आपके पास क्वेश्चन नंबर 19 का कौन सा करेक्शन, कौन सा ऑप्शन इनकरेक्ट है, क्वेश्चन नंबर सॉरी ऑप्शन डी। और कई एनसीईआरटी की बुक्स हैं बच्चों जिसमें ये जो ऑप्शंस हैं इनको लेकर थोड़ा सा कहीं पर नॉट लिखा हुआ है यहाँ पर, और कहीं पर यहाँ पर सीए की जगह एसी लिखा हुआ है, तो प्लीज उसे करेक्ट कर लीजिएगा बिकॉज दिस वन इज द करेक्ट वन। तो आई होप बच्चों आप लोगों को हमारी वीडियो यूजफुल लगी हो, अगर आपको यूजफुल लगी हो तो प्लीज हमारी वीडियोस को शेयर जरूर करिए। थैंक यू सो मच गाइस फॉर लव एंड सपोर्ट, कीप सपोर्टिंग योर क्लासेस।